नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के बारे में। आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है और जनरली हमको लगभग लगभग सब में देखने को मिलती है। हम इसको डाइट से किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी, और इसके अलावा होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन के बारे में भी आपको बताऊँगी जो कि आपके क्रोनिक से क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या को भी खत्म कर सकती है। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के ऐसे कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं जिसे हम ऐसे कॉन्स्टिपेशन कंसिडर कर सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या या कब्ज की समस्या है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप जब स्टूल पास कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना होता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग से आपको पास करना होता है, और जो स्टूल होता है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो भी आप इसे एज ए कॉन्स्टिपेशन कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ऐसा हफ्ते में 4 से 5 बार अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, और अगर महीने में आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको 4 से 5 बार ही अगर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो हम इसे कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं समझेंगे। या आपको आपके खाने पीने की वजह से इंडाइजेशन होने की वजह से आपको ये समस्या हो सकती है, लेकिन अगर वीक में आपको 4 to 5 days अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये कॉन्स्टिपेशन है और आपको इसके लिए मेडिसिन की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि किन किन कारणों की वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा कब्ज है वो हमारे डाइट की वजह से ज़्यादा अफेक्ट होता है। अगर हम बहुत सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, कोई फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, और हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने की समस्या बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा अगर हम जो भी खा रहे हैं उसमें फाइबर की मात्रा नहीं है, अगर फाइबर की मात्रा बहुत ही कम है जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं, तो उसकी कमी की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा जैसे थायराइड की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिल सकती है। अगर हमारा लिक्विड इनटेक काफ़ी कम है, अगर हम पानी बहुत कम पीते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें इंडाइजेशन हो सकता है, क्योंकि हमारी आंतों की सफाई अच्छे से नहीं होगी, और अगर आंतें अच्छे से साफ नहीं होगी तो हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आप हाई प्रोटीन इनटेक लेते हैं जैसे पनीर है या फिर स्प्राउट्स वगैरह, अगर आप यह बहुत ज़्यादा लेते हैं तो हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करने की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। तो आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और अब हम बात करते हैं कि हम इसे डाइट से किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो डाइट मैनेज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डाइट हमारी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। तो हम इसे सबसे पहले फॉलो करेंगे कि हमको वो चीज़ें ज़्यादा लेनी है अपनी डाइट में जिसमें फाइबर्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो, हमें हाई फाइबर्स फूड अपने डाइट में ऐड करना है। ऐसे ही हमको कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि बनाना, एप्पल, गवावा, अब ये सब चीज़ें हमें हमारी डाइट में ऐड करनी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है क्योंकि उसमें आयरन और फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में काफ़ी हद तक मदद करती है। इसके अलावा आप चिक पीस या किडनी बीन्स इन सब का सेवन भी कर सकते हैं। आपको दालें भी यूज़ करनी है क्योंकि इसमें भी फाइबर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, तो आपको ये सब चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करेगी आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। इसके अलावा जो आपको अपना लिक्विड इनटेक, आपको पानी की मात्रा पूरे दिन में बहुत ज़्यादा रखनी है, कम से कम भी आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना है। इसके लिए भी हमारा जो इंटेस्टाइन है तो वो बहुत ही अच्छे से काम करेगी, हमारी आंतों की सफाई अच्छे से होगी, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तब तक डाइट का ध्यान रख के भी हम काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में।
मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताना चाहूँगी जो क्रोनिक से क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन को भी काफ़ी हद तक ठीक कर सकती है, वो है हाइड्रेस्टिस कैन। हाइड्रेस्टिस कैन का मदर टिंचर की 15-15 ड्रॉप आपको दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिक्स करके लेनी है। आपको किसी भी तरीके का कॉन्स्टिपेशन हो, डाइट के साथ आप ये मेडिसिन ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रेस्टिस कैन की 15-15 ड्रॉप आपको दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिक्स करके यूज़ करनी है, आपको इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप इसे ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। थैंक यू सो मच।